लो जी ये चमक गई जी अपनी गाड़ी, लेकिन ये है कि धूप नहीं थी यार। मैं सोचा धूप में दिखाते तो बड़ी चमकती हुई दिखती है। क्यों चलू धूप नहीं निकाली यार आज, मैंने गाड़ी धोई इतनी मुश्किल से। और क्या, 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, 2 घंटे से चमका रहा हूँ गाड़ी को। हाँ जी, जो कार किट है उसके अंदर ये मिलता है जी। पहले हो गया हमारा शैम्पू, दूसरे नंबर पे है कार पॉलिश, फिर हाँ जी जी स्वागत है जी आज की वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मतलब मेरे को अमेज को लिए हुए 1 महीना हो गया है, और इसकी पहली सर्विस मैंने करवा ली थी, और पहली जो सर्विस मैंने करवाई थी वो 500 किलोमीटर पर करवाई थी और फ्री पड़ी थी, कोई चार्जेस नहीं लगे थे। हाँ जी, तो आज की वीडियो में मतलब आज गाड़ी को मैं धोऊंगा, चमकाऊंगा, और आप और इसके साथ एक कार किट मिली हुई है। कार किट में देखते हैं क्या क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आपकी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कार किट में क्या क्या है, और आफ्टर धोने के बाद मतलब अभी तो बहुत गंदी है, काफ़ी गंदी दिखाई दे रही है, धोने के बाद कितनी चमकती है। हाँ जी, तो सबसे पहले कार किट चेक करते हैं। तो जी ये रही कार किट हमारी, ये एक बैग मिला था साथ में। इस कार किट के अंदर मतलब इसका शैम्पू, कार का पॉलिश, इंटीरियर, शीशे के लिए वो सब मिलता है। सो ये होता है जी कार किट का बैग। इसकी कीमत जो वो बताते हैं मतलब आई थिंक 5000 या 6000 करीब होती है, बट ये मुझे फ्री मिला था। अभी चेक करते हैं इसको। ठंडा पानी बड़ा है, पानी बड़ा ठंडा यार। दक्षु है? दक्षु वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई। हाँ जी, जो कार किट है उसके अंदर ये मिलता है जी। पहले हो गया हमारा शैम्पू, दूसरे नंबर पे है कार पॉलिश, फिर टायर शाइन है, उसके बाद है इंटीरियर क्लीनर, उसके बाद है हमारा विंडशील्ड क्लीनर, उसके बाद ग्लास क्लीनर, और 2 मिलते हैं, एक स्पंज मिलता है और एक साथ मिलता है ब्रश। तो ये हमारी किट आती है जो कि कार किट में होती है। तो अभी हम शैम्पू करेंगे इसको, गाड़ी तो मैंने धो दी है बाहर से काफ़ी। तो ये आ गया शैम्पू हमारा, बिल्कुल नया है, पता नहीं कैसा शैम्पू होगा, लिक्विड में है। मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत साफ, मेरे को भी दे दो, मेरा भी शौक है, मेरी भी तो गाड़ी है। हाँ जी, शालू ने मतलब ऊपर से कहते हैं कि मैं धोऊंगी आज, मेरा तेरे बस की है नहीं वैसे, क्योंकि गाड़ी धोने में बहुत टाइम लगता है, कीचड़ तो कितना हो गया है, बहुत कीचड़ हो गया, मैंने धो दिया है, साफ करने की बारी आई तो। अच्छा, तो मेरे को बोल देते मैं कर लेती, लड़की किसने पकड़ ली थी, साफ करने की बारी आई तो देखो फॉर्मेलिटी, मतलब दक्षिण साफ है और गाड़ी साफ हो रही है। पता है तो मेरी BMW है। BMW चप्पल पहन के अंदर बाहरी चप्पल पहन के खोल के अंदर बैठू। हाँ जी, अभी लगाएंगे हम कार पॉलिश, गाड़ी मैंने पूरी चमका दी है, धो दी है और सूखा कपड़ा मार दिया, देखो क्या चमक रही है भाई गाड़ी आज। अभी कार पॉलिश लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या शाइन आती है इसकी। तो जब इंटीरियर क्लीनर है अंदर से सारी गाड़ी जो चमकाएंगे हम लोग, ये ज़्यादा लगता नहीं है वैसे, इतना लगता, थोड़ा लगता है। शालू भाई पूरी मेहनत करवा रही है, लेकिन दक्षु तंग कर रही है बढ़िया। दक्षु तंग कर रही है ना, अभी तो करवा देती सारा कुछ ही में। दक्षु 2 मिनट का काम रह गया बस। तो जी बारी आ गई है ग्लास क्लीन करने की। अब ये थोड़ा यूज़ होता, ज़्यादा होता नहीं है यूज़, ज़्यादा डाल के फ़ायदा नहीं है, सिर्फ शाइन ही देनी होती है। अब ये किसी भी एक साफ कपड़े में लेके इसको लगाना होता है। तो जी हमने आज जो है वो सिर्फ 4 ही चीज़ें यूज़ की हैं, एक शैम्पू, ग्लास क्लीनर, इंटीरियर क्लीनर और कार पॉलिश।
क्योंकि बाकी जो चीज़ें उनके भी ज़रूरत पड़नी थी यूज़ करने को। तो जी गाड़ी फाइनली हमने चमका दी है और अभी मैं इसको बाहर लेके जा रहा हूँ थोड़ा धूप में, हल्का सा धूप में, इसको देखते हैं कि शाइन कैसी आ रही है। यहाँ पे छाया है इसलिए शाइन आ नहीं रही है। लो जी ये चमक गई जी अपनी गाड़ी, लेकिन ये है कि धूप नहीं थी यार, मैं सोचा धूप में दिखाते तो बड़ी चमकती हुई दिखती है। क्यों चलूँ, धूप नहीं निकाली यार आज मैंने गाड़ी धोई इतनी मुश्किल से। टाइम टेकिंग तो है भाई, काम है तो टाइम टेकिंग तो होता है, लग रही है और क्या, दो घंटे से ज़्यादा हो गया, दो घंटे से चमका रहा हूँ गाड़ी को, क्या लग रही है इस समय। चलो जी इसी के साथ व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे और नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊँगा मैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।